गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में। और आज फिर से हमारा जो टॉपिक चल रहा है एडवर्ब, उसी को कंटिन्यू हम करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। एक और चीज़ आप लोगों से अभी शुरुआत में कहनी है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो एडवर्ब के कुछ खूबसूरत टॉपिक्स हैं जो आज आपके सामने डिस्कस होने वाले हैं, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। क्लास को एकदम छोटा रखा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको उसी क्वांटिटी के अंदर मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ही एडिशनल मेहनत पहले से कर रखी है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक का नाम तो आपको भली भांति पता है भाई, एडवर्ब। और एडवर्ब की आप बात करते हो तो एडवर्ब क्या होती है? वही शब्द जो किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को या किसी वर्ब को, कभी कभी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, ऐसे ही शब्दों को आप क्या कहते हो? एडवर्ब कहते हो। चलो अब देखो, हम आज जो सीखने वाले हैं एक खास कॉन्सेप्ट, आपको इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर कुछ खास कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा है या नहीं, आप पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें और अपना आंसर देने की कोशिश करें। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नरेंद्र वॉज नेम्ड एज स्वामी विवेकानंद, मिस्टर शर्मा वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक और सेंटेंस, ही चोज समीरा एज हिज पार्टनर इन द गेम। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सीखने की। ठीक है, आप अपने अपने आंसर सोचिए और मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ ठीक है। देखिए, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ वर्ब्स होती हैं, मैं लिख देता हूँ, फॉलोइंग वर्ब्स डोंट टेक, या फिर उसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, एज इज नॉट यूज्ड विद फॉलोइंग वर्ब। कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद आपको कभी भी किसको यूज करने की जरूरत नहीं, एज। ठीक है, और वो वर्ब कौन कौन सी हुई? जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं नेम, इलेक्ट, कंसीडर, ठीक है, या फिर मैं लिखूं अपॉइंट, या फिर लिखूं मेक, थिंक, चूज, तो ये ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं। ठीक है, इनके बाद हमें किसकी ज़रूरत नहीं? एज एडवर्ब की ज़रूरत नहीं। एज अपने आप में दोस्तों एक एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ वर्ब ऐसी हैं, यहाँ पर वर्ब के लिए आपको एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद एज यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब पहले सेंटेंसेस ठीक कर लेते हैं। हम अपने लिखा हुआ है नरेंद्र वॉज नेम्ड एज स्वामी विवेकानंद, तो गलत होगा ये, सही होगा नरेंद्र वॉज नेम्ड स्वामी विवेकानंद, इस एज की आपको ज़रूरत नहीं। चलो एक छोटी सी बात, कही गई बात के हमेशा दो मतलब होते हैं, हम शुरू से जानते हैं। अगर मैंने कहा कि ये वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद एज नहीं आता, तो कुछ वर्ब ऐसी भी होंगी ना जिनके बाद एज आता है, तो चलो उनको समझते हैं। अगर मैं लिखूं एज इज यूज्ड विद फॉलोइंग वर्ब्स, कि कुछ वर्ब्स हैं इनके बाद आपको एज यूज करना होता है, जैसे कि देखो आपको देखने को मिलता है कई जगह पर डिफाइन, ठीक है, या फिर इसी के जैसा शब्द मिलता है डिस्क्राइब, या फिर मिलता है व्यू, या फिर मिलता है ट्रीट, ठीक है, या फिर मिलता है नो, तो ऐसी कई सारी वर्ब हैं जिनके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है। अब मसला ये है कि सर बहुत सारी वर्ब है, अनगिनत शब्द वर्ब हैं, तो हम कैसे याद रखें, हम समझें कैसे कि किसके साथ किसकी ज़रूरत है और क्यों नहीं है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है कहाँ नहीं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मेरे साथ सीखना होगा, उसके बाद आपको ये वर्ब्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको वर्ब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि जनरली ये वर्ब हैं, और कौन को कैस किस तरह से वो कंसेप्ट काम करता है समझिए मेरे साथ। अब देखिए कि आप किसी भी वर्ब को लेकर मैंने लिखा कोई भी वर्ब, इस वर्ब को लेकर दो तरह के कंसेप्ट बनेंगे। कैसे कंसेप्ट बनेंगे? दो तरह के कंसेप्ट। अगर दी गई वर्ब स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होने का मतलब है कि जिसने वो काम किया सिर्फ उस पे लागू होता है, जिसने काम किया उस पे लागू होता है। मैं क्लियर लिखता हूँ, स्पेसिफिक फॉर डूअर, बस
कि जो बोल रहा है, जो सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, उसके लिए अगर स्पेसिफिक है, खास इन एक दो के लिए ही अगर स्पेसिफिक है, तब आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? वहाँ पर तो आपको यूज़ करना है क्या, वहाँ पर यूज़ करना है एज, ठीक है। लेकिन अगर लाइक दैट इज़ जनरल, जनरल, ठीक है, जनरल मीनिंग उसका आता है, जनरल का मतलब आता है लाइक सभी के लिए, यानी कि मैं लिख सकता हूँ सिमिलर फॉर ऑल। क्या लिखा मैंने? सिमिलर फॉर ऑल, सभी के लिए एक ही जैसा मीनिंग, वो सभी के लिए वैसा का वैसा रहेगा वो काम, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इस बात को अभी हम समझेंगे, ठीक है, कि किस तरह से स्पेसिफिक है किसी एक खास के लिए और किस तरह से जनरल है वो सभी के लिए। अगर ऐसा होता है तो आप उसके साथ एज जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अब समझो, अगर मैंने लिखा नरेंद्र वॉज नेम्ड स्वामी विवेकानंद, मैं कह रहा हूं कि यहां पे एज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नरेंद्र को नाम दिया गया क्या? स्वामी विवेकानंद। अरे यही तो नाम दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये स्वामी विवेकानंद क्या सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही उस नाम से जान सकता उसे? नहीं, ये नाम सभी के लिए तो हो गया, यानी कि सभी लोग इसी नाम से तो जानेंगे, सभी लोग इसी नाम से तो जानेंगे। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को घुमा फिरा कर या फिर कोई दूसरा सेंटेंस मैं एक दूसरी वर्ब के साथ लिखूं, तो देखो सेंटेंस क्या हो सकता है। अगर मैं लिखूं लाइक हर्षित इज नोन, हर्षित इज नोन एज, हर्षित इज नोन एज कैप्टन, तो हर्षित इज नोन एज कैप्टन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये एज जो यूज हुआ है, ये एज किसके लिए? भाई कैप्टन के साथ, ये वर्ब के साथ क्या, एक्सक्यूज मी, सो नोन के साथ में आपने एज यूज किया। देखो हम लिखा है अभी हमने कि इसके साथ में आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि हर्षित को मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन के नाम से जाना जाता है, तो सिर्फ वही लोग तो उसे कैप्टन कहेंगे जो उसे जानते हैं, जो उसे जानते हैं। ये स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक तरह से स्पेसिफिक ही हुआ ये। जिसको नहीं पता कि उसे कैप्टन नाम से भी बोलते हैं, वो उसे हर्षित कहेंगे, वो उसे हर्षित कहेंगे, ठीक है, समझ में आई ये चीज़। लेकिन अगर मैं कहूँ हर्षित का नाम ही कैप्टन है, कैप्टन उसका नाम है, मैंने रख दिया है, नेम्ड कर दिया है उसको, तो उसके बाद तो उसे कैप्टन नाम से बुलाया ही जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ कंपनी। भाई मिस्टर शर्मा को कंपनी का सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब अपॉइंट किया गया है कंपनी का सीईओ, तो मुझे एक बात बताओ कि वो कंपनी का सीईओ क्या स्पेसिफिक के लिए है या फिर जो भी देखेगा वो सभी के लिए? अरे भाई ये उसे पद मिल चुका है, क्या उसको माना गया है या फिर वो है? या फिर इसे आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि एज आप तब लगाते हो जब माना जाता है, हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज हम तब नहीं लगाएंगे जब वो एक्चुअल में है ही, ठीक है। तो भाई मिस्टर शर्मा को जब अपॉइंट कर ही दिया गया है तो वो बन ही गया है, माना थोड़ी ना जा रहा है, एज की जरूरत नहीं। सही क्या हुआ? मिस्टर शर्मा वॉज अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ द कंपनी। लेकिन यहीं पर अगर कोई भी दूसरी तरह से मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, तो देखो अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरे स्टाइल से लिख रहा हूं, मिस्टर शर्मा वाज ट्रीटेड एज द सीईओ ऑफ द कंपनी। अब समझो इस बात को, अरे भाई अब मुझे बताओ, मिस्टर शर्मा को ट्रीट किया गया है कंपनी की तरह, यानी कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, इससे पता चल रहा है कि वो सीईओ है या नहीं है? नहीं ना। लेकिन अपॉइंट से एकदम क्लियर हो रहा है कि वो है सीईओ, ठीक है, उसे माना नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हमें ये समझ में आता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर उसे उसके साथ सीईओ की तरह व्यवहार किया गया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, आने वाले सेंटेंस में एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिखा हुआ है ही चोज समीरा एज हिज पार्टनर इन द गेम। उसने समीरा को क्या चुना? अपनी पार्टनर चुना इस गेम के अंदर। अरे भाई पार्टनर चुन ही लिया तो वो पार्टनर मानी जा रही है, उस गेम के अंदर पार्टनर है, चुन चुके हैं तो वो उसकी पार्टनर बन चुकी है, भाई जाहिर सी बात है, इसीलिए यहाँ पर इस एज की आपको जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पर अगर मैं समीरा को मान लो कि मैं इसी सेंटेंस को अगर लिखूं, ही इस वर्ब के साथ लिख देते हैं, ही डिफाइंड या फिर ही डिस्क्राइब्ड
ही डिस्क्राइब्ड समीरा एज हिज पार्टनर. आगे का सेंटेंस सेम रही, यानी कि समीरा नो डाउट कुछ और भी हो सकती है, लेकिन गेम के लिए एक बार के लिए उसने उसे अपने किसके लिए अपने पार्टनर की तरह से उसको डिस्क्राइब किया. हो सकता है वो ना हो, लेकिन डिस्क्राइब उसने कैसे किया कि भाई जैसे कि उसकी पार्टनर हो. तो यहाँ पर आपको एज की ज़रूरत है, लेकिन ऊपर वाले में जब वो चुन ही चुका है मतलब वो एग्जैक्ट है. यानी कि एज अप आप तब यूज़ करते हो जब के जैसा. एज का मीनिंग क्या होता है? के जैसा. के जैसा मतलब है नहीं, मैं कहूँ यार वो अपने पिता के जैसा है, वो अपने पिता के जैसा है, तो क्या वो अपना पिता है? बिल्कुल नहीं. मैं कहूँ कि यार वो शाहरुख के जैसा है, तो क्या वो शाहरुख है? नहीं. अगर मैं कहूँ वो खुद शाहरुख ही है, तब हमें एज लगाने की ज़रूरत है? नहीं ना. तो ऐसी वर्ब जिनसे ये क्लियर हो जाए कि वो है ही, उसे माना या समझा या फिर किसी के जैसा नहीं बताया जा रहा है, वो एग्जैक्ट वही इंसान है, वही चीज़ है, तो उसके लिए आपको इस एज शब्द की ज़रूरत नहीं होगी. आपको सेंटेंसेस से समझ आया होगा, ठीक है. आगे फिर हमने समझा कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर आपको कुछ वर्ब ऐसी मिलती हैं जहाँ पर वो फंक्शन किस तरह से करती हैं कि वो एक्चुअल में नहीं है या फिर होंगी भी नहीं पता, लेकिन सेंटेंस से देखकर पता चलता है कि एक बार के लिए उसे ऐसा माना गया है, ठीक है. जैसे कि मैं कहूँ डिफाइन किया गया है. अब डिफाइन करने का मैं कहूँ कि मैं इस मार्कर को, आई डिफाइन दिस मार्कर एज अ पेन, मैंने इस मार्कर को एक पेन की तरह से डिफाइन किया. अब कोई भी दूसरा बंदा आकर इसी मार्कर को एक कहेगा कि भाई ये एक औजार है, एक ही डिफाइंड द मार्कर एज अ टूल. अब देखो इसको क्या बना दिया, टूल. लेकिन ये हो सकता है टूल है, लेकिन ये एक्चुअल में तो कुछ और है, इसे टूल के जैसा माना जा रहा है, ठीक है. कोई दूसरी चीज़ आप ले सकते हो, ठीक है. जैसे कि मैं कहूँ लाइक ही डिफाइंड के अलावा कोई दूसरी, आई लाइक आई ट्रीटेड माई फ्रेंड एज माई ब्रदर. भाई है तो नहीं, माना उसे, ठीक है. लेकिन मैं कहूँ कि आई लाइक आई मेड हिम एज माई ब्रदर या फिर माई ब्रदर. अरे सिंपल सी, अगर बना ही लिया तो भाई हो गया है ना. आई मेड हिम माई ब्रदर, मैंने उसे मेरा भाई बना दिया. सिंपल इनफ. समझ में आई ये चीज़ें? तो ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है. कुछ मैंने वर्ब जो लिखी हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखी हैं जो जनरली एग्जाम्स में आती हैं. बैंकिंग और एसएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल. सबसे ज़्यादा बार मैं क्यों कह रहा हूँ, एडवर्ब का ये एज वाला कंसेप्ट ऐसा है जो जनरली बच्चों को बैंकिंग के एग्जाम में भी कन्फ्यूज़ कर देता है, जिसको टफ लेवल आप मानते हो, ठीक है. तो एक बार यहाँ तक की चीज़ें एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा कर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों. चलो यहाँ पर आपने सीखी एज का कंसेप्ट. सिर्फ रटाने वाली बात नहीं है, मैंने आपको रीज़न दिया है कि क्यों इस तरह से मैंने कहा है, ठीक है. यहाँ तक की बातें. अब देखो आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस हैं. शुरू के तीन सेंटेंसेस हम समझ चुके हैं और हमने तीन के साथ और तीन सेंटेंसेस लिखे हैं. अब इनमें हमने इसी एज का यूज़ होना नहीं होना दोनों चीज़ें हमने सीखी. अब बारी आती है आपके सामने एक छोटे से और कंसेप्ट की. देखिए शब्द लिखा हुआ है आपके सामने डीपली. देखो शब्द दोस्तों, डीप शब्द, एक तो डीप हुआ, एक हुआ डीपली. दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बात करूँ इस डीप शब्द की, तो डीप अपने आप में क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव भी है. डीप अपने आप में एडजेक्टिव भी है और यही शब्द अपने आप में एडवर्ब भी है, याद रखिए. लेकिन जब आप डीपली की बात करते हो तो ये शब्द अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडवर्ब है, ठीक है. अब हम समझते हैं इन दोनों के यूसेज. यूसेज ये हुए, जब डीप एडजेक्टिव होता है तो भाई एडजेक्टिव का फंक्शन ही क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करना. नाउन से पहले आकर, जैसे कि मैं कहूँ लाइक ही हैज़ अ डीप लव या फिर टुवर्ड्स यू, वो उसके आपके लिए, आपके प्रति उसमें गहरा प्यार है, तो प्यार को गहरा बताने के लिए आपने क्या यूज़ किया? डीप. लेकिन जब ये एडवर्ब होता है दोस्तों, तो ये वर्ब जो भी आपको दी गई है उस वर्ब के बाद आपको नज़र आता है क्या? डीप. ये इस बार किसका? वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ठीक है. ओके, यहाँ पर ये एडवर्ब होगा. जब ये एडवर्ब डीपली की फॉर्म में होता है, यानी कि जब डीपली शब्द की आप बात करते हो, तो यहाँ पर ये शब्द गहराई से ना होकर इमोशनली बात करता है. क्या बात करता है? इमोशनली, ठीक है. इमोशन के हिसाब से, इमोशंस की बात करता है ये. जैसे कि मैं कहूँ आई लव हर डीपली, आई लव हर डीपली, तो ये तरह से किस तरह से फंक्शन किया इसने?
कि अब यहाँ पर आई लव हर डीपली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो यूज़ किया है मैंने ये भी इनकरेक्ट है. एक्चुअल में आई लव हर डीपली नहीं, मैं कहूँ ही इज़ डीपली मैड इन योर लव, मैं कहूँ कि वो आपके प्यार में बेहद पागल है. तो यहाँ पर डीपली का मतलब गहरा ना होकर इमोशन के थ्रू आ रहा है, यानी कि स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सेंस इसका देता है. जब डीपली एडवर्ब की तरह से फंक्शन करता है तो याद रखो दोस्तों, डीपली शब्द के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है किसे यूज़ करने की, एडजेक्टिव, यानी कि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब कौन सी है, डीपली, लेकिन वर्ब को क्वालिफाई करने वाली शब्द कौन सी है, डीप. अब मुझे एक सेंटेंस में ये देखो, ही डाइव्ड डीपली इन द पोंड, उसने तालाब में गहराई में छलांग, उसने, अब मुझे बताओ डाइव को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये. इन द पोंड एक तरह से अपने आप में क्या है, ये तो खुद पूरा का पूरा मिलकर फ्रेज बन रही है, और इसे आप कहोगे एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ये क्या बता रहा है, जगह बता रहा है. लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो इस डीपली शब्द की, तो ये डाइव्ड डीपली की बात कर रहा है, उसने डाइव किया गहराई के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर ये शब्द अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई करते वक्त आपको डीपली नहीं, ज़रूरत किसकी है, सिर्फ डीप की. ये बात आपको समझ में आई या नहीं, और एक सेंटेंस मैंने आपको बोल के बता ही दिया. तो डीप का फंक्शन तो ये हुआ. फिर आ जाते हैं अगले दो शब्दों के तरफ, एक आता है आपका लेट और एक शब्द होता है लेटली. इन दोनों के अंदर एसएससी के बहुत ही फेवरेट शब्द हैं, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं सवाल. देखो लेट का मतलब आप सभी को पता है, राइट, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब एक निश्चित टाइम, जो भी डिसाइडेड टाइम है उसके बाद अगर कोई भी होता है तो वो क्या हुआ, लेट हुआ. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्लास भाई आपकी 8:45 पे होनी चाहिए, किसी वजह से क्लास अगर 9 बजे चल रही है तो मैं कहूँगा कि क्लास लेट है, राइट. तो यानी कि सर्टेन जो टाइम था उस टाइम के बाद उसे आपने क्या कहा, लेट, ठीक है. वहीं पर अगर मैं लेटली की बात करूँ तो दोस्तों ये देरी की बात नहीं करता, इसका जो मीनिंग तैयार होता है वो तैयार होता है रिसेंटली. क्या तैयार होता है, रिसेंटली. अब बहुत बार एग्जाम के अंदर इसके मीनिंग को लेकर ही आपको पूछा जाता है, इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस में, सेंस किसका है, उससे आपको पता चलता है. देखो लिखा हुआ है सेंटेंस, ही रीच्ड लेटली सो ही मिस्ड हिज बस. वो क्या हुआ, अरे भाई वो देरी से पहुंचा, ऐसा कहना चाह रहे हैं. तो देरी के लिए इस रिसेंटली का तो मतलब ये होता है हाल ही में, वो हाल ही में पहुंचा इसलिए बस मिस कर गई भी, तो हाल ही का बस से क्या कनेक्शन. हाँ अगर आप इसे लेट कहोगे तो ये सही हो सकता है, क्योंकि वो लेट आया सो ही मिस्ड हिज बस, ठीक है दोस्तों, समझ में आई चीज़. अब रिसेंटली की अगर आप बात करते हो तो रिसेंटली आपको पता है रिसेंट टाइम की जब भी आप जिक्र करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक टेंस की, और वो होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस. कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है. और कुल मिलाकर देखा जाए ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम ही तो है. एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजिशन कहाँ होती है दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में. तो श्रुति है साइंड अ मूवी लेट, तो क्या ये ठीक है, अरे भाई श्रुति ने मूवी को लेट साइन किया है. आगे लिखा हुआ है सून द शूट विल बिगिन, जल्दी ही शूट शुरू हो जाएगा, पिक्चराइजेशन है वो शुरू हो जाएगा. तो सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि भाई हाल ही में उसने मूवी साइन करी है, तो हाल ही की अगर बात है तो लेट की नहीं, ज़रूरत किसकी है, लेटली की. समझ में आई ये चीज़ें. टेंस कौन सा है, हैड साइंड, ठीक है. यहाँ तक की बातें समझे या नहीं, ये सारी कंसेप्ट के आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बहुत ही खूबसूरत प्यारे छोटे छोटे और कंसेप्ट के हम बात करेंगे. दो और छोटे, छोटी क्लास होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट होगी, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था. मिटा दूँ, अरे सर मिटा दो, जल्दी से मिटा देते हैं, ठीक है. तो शायद ये कंसेप्ट आपको बड़े ही प्यारे लग रहे होंगे, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप क्लास मिस ना करें. अगर गलती से कोई क्लास छूट जाती है तो छुट्टी वाले दिन या फिर किसी दिन किसी वजह से जब क्लास नहीं हो पाती है तब आप अपनी क्लास को रिवाइज कर लें, या फिर जो चूक जिसे आप छोड़ दिए हो, जो नहीं देख पाए हो, उसे दोबारा देख लें, ठीक है. अब देखो एक छोटे छोटे यूसेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको तीन शब्द हैं जो बड़े ही कन्फ्यूजिंग नज़र आते हैं. अगर मैं कहूँ ही नीड्स सम टाइम, अगर मैं कहूँ ही सम टाइम कम्स हियर, या फिर मैं लिखूँ ही
मिसेस द क्लास सम टाइम्स. ये आपके साथ सेंटेंसेस हैं. आपको सेंटेंसेस से पता तो चल ही रहा होगा समटाइम समटाइम और समटाइम्स इसके अंदर खेला जा रहा है. ठीक है, तो ये एक साथ शब्द है, ये सम और टाइम अलग अलग हैं, ये समटाइम्स एक साथ शब्द है. क्या फ़र्क है इन तीनों शब्दों में, तो समझिए. अगर आप बात करते हो दोस्तों इस शब्द की सम टाइम की, और एक है आपके पास समटाइम, एक है आपके पास समटाइम्स, ये कुछ शब्द हैं आपके पास. तो समझिए टाइम अपने आप में नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव. ये नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसी को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन हो जाएगा. मामला फंसता है इन दो शब्दों में. अगर इस सम टाइम की आप बात करते हो तो ये बात करता है एट एन अनसर्टेन टाइम. कब की बात कर रहे हैं, किसी कोई भी एक अनिश्चित समय पर, किसी अनिश्चित समय पर. आप इसी सम टाइम की जगह पर समडे लिख सकते हो, बहुत बार आता है ना समडे, जैसे कि समडे विल और कम, राइट, किसी दिन तो हम ज़रूर जीत हासिल कर ही लेंगे. ठीक है, समडे किसी दिन, किसी दिन, अब वो कोई भी एक दिन हो सकता है, निश्चित नहीं है. तो अनसर्टेन टाइम की बात हो रही है, उसे आप क्या कहोगे, सम टाइम. कुल मिलाकर बात तो टाइम की कर रहा है, कुल मिलाकर बात तो किसकी कर रहा है, टाइम की. तो भाई ये सम टाइम जो है एक्चुअल में किस तरह से यूज़ होगा दोस्तों, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसका है, एडवर्ब ऑफ टाइम. और एडवर्ब ऑफ टाइम की जो पोजिशन होती है वो किसी भी सेंटेंस के सबसे आखिर में होती है. कहाँ होती है, किसी की भी सेंटेंस के सबसे आखिर में. तो होगा ही कम्स हियर सम टाइम. क्या ये सेंटेंस ठीक है, वो यहाँ किसी दिन आता है, ऐसा ना कहकर आप यहाँ पर इसको पास्ट में बनाए ही केम हियर सम टाइम, वो किसी दिन आया था यहाँ पर, तो ये एक अनसर्टेन टाइम हुआ. ठीक है, या फिर फ्यूचर में आप कर सकते हो ही विल कम. चलो सेंटेंस को बदलते हैं थोड़ा सा, अगर मैं लिखूँ विल इधर लिख देते हैं, ही विल समटाइम कम हियर. अरे भाई ही विल कम हियर समटाइम, किसी वक्त तो वो यहाँ पर आएगा. इस तरह से सेंटेंस आपको दिया जा सकता है. ठीक है, यहाँ पर इसकी पोजिशन गलत हुई. अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, ही मिसेज द क्लास समटाइम्स, समटाइम्स ये लिखा हुआ है आपका. तो ये एक्चुअल में जो शब्द है ये इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंटली. क्या होता है, फ्रिक्वेंटली, बार बार. और कुल मिलाकर ये शब्द अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि ये काम बार बार होता है, यानी कि कभी कभी. इसका जो हिंदी मीनिंग तैयार होता है वो होता है कभी कभी. और हमने एक छोटी सी चीज़ सीखी है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी की जब आप बात करते हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है तो अच्छी बात है, वरना मेन वर्ब से पहले ही आप हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखते हो, मेन वर्ब से पहले. तो यानी कि अब इस सम टाइम्स की पोजीशन यहाँ ना होकर, यहाँ ना होकर कहाँ सही हुई, इस वर्ब से पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ा सम टाइम्स. ही सम टाइम्स मिसेस द क्लास, कभी कभी वो क्लास छोड़ देता है, मिस कर देता है. ये बात आपको समझ में आई. चलो बढ़ चलते हैं अपने और दो खूबसूरत से शब्दों पर. मैं आपको ब्लैंक दूंगा, आपको आंसर देना है कि क्या सही होगा. ठीक है, अगर मैं लिखूं वी नीड वैक्सीन फॉर द वायरस, ब्लू से लिख दिया, कोई बात नहीं है, नजर आ रहा होगा आपको. अगर मैं लिखूं I am attending the class. दो सेंटेंस हैं आपके सामने, और इन दोनों के अंदर जो चॉइसेस हैं, एक आपको लिखना है एट प्रेजेंट, और दूसरी चॉइस है आपके पास में प्रेजेंटली. दोनों के दोनों शब्द अपने आप में एडवर्ब हैं. आप मुझे बताएं, बताएं कि कौन से में कौन सा यूज करना है. ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं. ये ऑप्शन आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है. तो फर्स्ट में ए या बी, सेकंड में ए या बी, बताएं. अब समझिए, जब आप बात करते हो एट प्रेजेंट की, किसकी बात करते हो, एट प्रेजेंट की, तो एट प्रेजेंट का मतलब होता है, एट प्रेजेंट का मतलब होता है
एट प्रेजेंट यानी कि नाउ, ठीक है। एट प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, नाउ। वहीं पर अगर आप प्रेजेंटली की बात करते हो दोस्तों, तो इसका मतलब जो बनता है वो बनता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, प्रेजेंटली इसका सेंस ये तैयार होता है। अब मुझे बताओ, वी नीड वैक्सीन फॉर द वायरस। अरे भाई मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ एट प्रेजेंट वी नीड, तो क्या हमें अभी चाहिए, फिलहाल अभी एकदम ऑन द स्पॉट चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है कि अभी के अभी सबको वैक्सीन मिल जाए? नहीं, बन भी जाती है प्रोडक्ट लाइक उसको फिर प्रोड्यूस करने में, फिर डिलीवर करने में और फिर लोगों तक पहुंचाने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो उस केस में आप मुझे बताओ कि क्या ये नाउ अभी के अभी क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर अगर आप बात करो तो एज सुन एज पॉसिबल का है कि नहीं है? बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इस वायरस के लिए क्या चाहिए, वैक्सीन चाहिए। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपके आपको किसकी, प्रेजेंटली की, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बोलूँ आई एम अटेंडिंग द क्लास, तो भाई नाउ, नाउ के सेंस में मैं अभी ये क्लास ले रहा हूँ, तो सही क्या होगा, एट प्रेजेंट, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई दोस्तों? दो बिल्कुल आपको मैंने आज 4-5 कंसेप्ट बताए बहुत छोटी क्लास के अंदर, और अभी मैं क्लास ओवर करूंगा, ठीक है। सो इट वॉज वंडरफुल टू मीट यू ऑल गाइज। बस वीडियो को लाइक कर दे फटाफट, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। रोज़ आपको क्लासेस मिल ही रही हैं, एंड बस बाकी तो अगर आप रियली अप्रिशिएट करते हैं काम को तो फिर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।